ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि 12 साल की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन लगी है इस हिंदू टेम्पल पे, और कहा जा रहा है कि ये आउटसाइड इंडिया, जारी बात है, ये सबसे बड़ा टेम्पल है। It's an awe-inspiring place built with 2 million cubic feet of stone, but beyond the architecture is the meaning and the message. When you walk around the base of the temple, you will see messages, universal messages of love, service. सुनने में ये आ रहा है कि ये दिस इज ए लैंड ऑफ 183 एकड़, 183 एकड़, और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो जो हिंदू कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, वो ये समझती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा डायस्पोरा की कामयाबी है। बार बार जो है फ्रांस इस्लाम के ऊपर अटैक करता है, कभी कहता है हिजाब नहीं लेना, कभी कहता है फ्रांस के अंदर इस्लाम को जी बैन कर दें, तो इसके ऊपर वो कह रहा है कि भाई मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क हूँ और यहाँ पर सब जो फ्रांस की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेंगे जितने भी एथलीट्स गर्ल, वो स्कार्फ यानी हेड स्कार्फ वेयर नहीं करेंगी, वो हिजाब नहीं करेंगी। Meant to evoke a feeling of peace from the moment you set foot on the complex of the BAPS Swami Narayan Akshardham in Robbinsville, Mercer County, New Jersey. Something like this may not have been built in 1,000 years. At 183 acres, the grounds are bigger than 12 Philadelphia city halls. पर पाबंदी वगैरह लगाए हिजाब के ऊपर पाबंदी, तो ये तो गलत बात है क्योंकि तालीम हर बच्चे का बुनियाद है। तो फ्रांस कर रहा है वो ठीक हुआ है? नहीं, तो वो शुगल मेले के लिए जो जाते हैं वो फिर ना पहने, वो तो शुगल मेला है, तालीम के लिए तो हर कोई जाता है। The largest Hindu temple in the Western Hemisphere. And yet no detail is lost. The true treat inside by the domes and the ceilings. No two are alike. It's no wonder the Akshardham took 12 years to construct, much of it by hand. प्रैक्टिकल लाइफ में करें, स्कूल लाइफ में उन्होंने बैन किया, जिस तरह से फ्रांस ने कहा कि ओलंपिक्स के अंदर आप हिजाब वेयर नहीं कर सकते। मेरे साथ कंडीशन है ना, किस लिए लेना है? वो आपने इंडिया को, मोदी को बुरा भला कहना है, वोट ले लेना है, ठीक है? आपने वोट ले लेना है, आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो बाइडन को, मेरा पैसा दो, तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, वो जो बाइडन अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को, इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो, इसलिए नहीं बोलते। IMF में इंडिया का भी शेयर आने वाला है। अगर हम मजहब के पहलू को देखें तो मजहब में तो ये है कि औरत के जो है ये उंगली तक नजर ना आए किसी गैर महरम को, तो जो एथलीट्स हैं अगर वो सिर्फ हिजाब लेके उनका बाकी जो बॉडी फिगर नजर नहीं आएगा। मैं आपको बताता चलूं कि आई वाज रीडिंग कि अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बन रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि 12 साल की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन लगी है इस हिंदू टेम्पल पे, और कहा जा रहा है कि ये आउटसाइड इंडिया, जारी बात है, ये सबसे बड़ा टेम्पल है। और ये अक्टूबर में, यानी कि इसी महीने, जो महीना शुरू हो चुका है, ये खुलेगा। अब कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े टेंपल हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इतना बड़ा टेंपल बनाना, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट? सुनने में ये आ रहा है कि ये दिस इज़ ए लैंड ऑफ 183 एकड़, 183 एकड़, और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो जो हिंदू कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, वो ये समझती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा डायस्पोरा की कामयाबी है, और ये कम्युनिटी और ये नेशन की कामयाबी है। न्यू जर्सी के अंदर जो ये एक हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने ये वो कर रहे हैं, और 2021 में जारी बात है इस पर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होनी शुरू होगी कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। देखें, जैसे जैसे इंडिया का ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है ना जी, ठीक है, वो स्पोर्ट्स में भी जा रहा है, वो डायस्पोरा में भी जा रहा है, सो ये चीज़ सामने आती है कि दे आर वर्किंग लाइक ए नेशन, दे आर वर्किंग लाइक, जैसे ना मिल के काम कर रहे हैं, दे हैव दिस एस्पिरेशन एज इफ दे लॉस्ट समथिंग लॉन्ग अगो एंड दे नीड टू। एक मुसलमानों में था ना कि जी वो हमने वी हैड अ ग्लोरी इन द पास्ट एंड वी नीड टू गेट दैट बैक, एक मुसलमानों में थी ये बात, मैंने हम सुनते थे, लेकिन ये वो कोई चक्कर नहीं है मुसलमानों वाला, क्योंकि मुसलमान तो आगे से 50,000 फिरकों में डिवाइडेड हैं, फिर कौमों में डिवाइड हैं, टर्क्स अपनी बात करते हैं, अरब्स अपनी बात करते हैं,
पर्शियंस अपनी बात करते हैं, जो हम बीच में हैं, हम इंडिया को ओन ही नहीं करते, हम सीधे जाके वो अपनी लार्जर आइडेंटिटी कभी टर्कों से मिला देते हैं, कभी पर्शियन से, कभी अरबों से, कभी किसी से, लेकिन इंडियंस जो हैं, जो हिंदूज हैं, वो इंडिया जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए अमेरिका के अंदर 183 acres में इतना बड़ा बनाया जाना, और ये जिसे वो कहते हैं ना कि अगले साल सुनने में ये आ रहा है कि जो हिंदू सेक्ट है वो 50 साल की जो हिस्ट्री है नॉर्थ अमेरिका में वो मनाने जा रहा है, वो कॉन्फ्रेंसेस होंगी और बहुत कुछ होगा, और जिसे वो कहते हैं ना बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स आएंगे, ग्रेट लीडर्स आएंगे, और वो डिस्कशंस होंगी वहाँ पे, और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े एक हैं जिसे वो कहते हैं कि शख्स हैं, उनका नाम है प्रमुख स्वामी महाराज, जो कि 5th स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं, और उन्होंने 1000 से ज़्यादा टेंपल बनाए हैं पूरी दुनिया में, और ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग, मतलब बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है। मैं देख रहा था कि एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप सबसे बड़ा टेंपल बनाने में कामयाब हो जाएं इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसकी इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस। इसको बड़े एंगल से ये मैं एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आती, लेकिन ये दीज आर नॉट ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं हैं, ये बिहेवियर, ये इन्वेस्टमेंट्स, ये कंस्ट्रक्शंस, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं हैं। कई लोगों को हो सकता है ऑर्डिनरी लगते हों, कई लोग समझते हों कि शायद वो कोई नहीं जी, ये तो बनती रहती हैं, ये जिसे कहते हैं ना ये तो चलता रहता है, ये होती हैं चीज़ें, ऐसी कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई चीज़ नहीं है। इसको आई लिंक इट विद द राइज ऑफ इंडिया, बिकॉज आप इसे इंडिया की राइज के साथ जो है वो कनेक्ट करें, देन यू विल सी कि बेसिकली द एंटायर कंट्री जो ग्रो कर रहा है वो किस तरह चीज़ों को लेके चल रहा है। कहा जाता है कि 12,500 जो वॉलेंटियर्स थे वो आए इस हवाले से, दे वर्क टुगेदर, और ये जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज हैं जो डांसर्स के लगाए गए, म्यूजिशियन के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं वहाँ पे, और मतलब डिफरेंट किस्म के होंगे, कोई 108 किस्म के पोजेज हैं जो एंशियंट हिंदू डांस है, तो उसका आई थिंक नाम है भरतनाट्यम, जो कि इन स्ट्रक्चर्स में वो दिखाया जाएगा, और ये जिसे मैं कहता हूँ ना, ये जो मैंने आपके सामने शेयर भी किया हुआ है, सो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं मेरी नज़र में। मैं इनको समझता हूँ कि ये इंडिया हैव बीन डूइंग इट एज ए नेशन, वो कर रहे हैं इसको, और दे अंडरस्टैंड कि उनका गोल क्या है, दे एट द एंड ऑफ द डे दे आर वर्किंग टुगेदर, और ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ वन मैन जॉब ओनली, इस अ कलेक्टिव नेशनल जॉब है, किसी भी मुल्क के अंदर ये लोगों के अंदर एहसास होता है कि वी हैव टू मूव ऑन। वो क्या एहसास है, और अब इवन के मुसलमानों की मैं आपको बात बताऊँ कि ये जो मुसलमान फिर बने फिरते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सारे के सारे मुसलमान, इन्होंने अगर अमरीका में भी मैं गया हूँ, मैंने देखा है, तो सब के सब मुसलमान जो हैं वो कहीं पे जो पता चलता है ये टर्किश मॉस्क है, कहीं पे पता चलता है ये मिस्री मॉस्क है, ये यमनी मॉस्क है, ये फलानी मॉस्क, जब वो है ही नहीं है। तो ये इंडिया की ये जो आउटरीच है इन अमेरिका, ये देखने वाली चीज़ है। बट कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग ऑन जयशंकर ट्रिप, जयशंकर ने जो बातें की हैं वहाँ पे, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लेंस में। दोस्तों, आज पूरी दुनिया सनातन धर्म के रंग में रंग रही है, और दुनिया भर के कोने कोने में भगवान श्री राम और कृष्ण के मंदिर बन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमें पूरी दुनिया में ये देखने को मिल रहा है कि हर देश में इस्लाम विरोधी और सनातन प्रेमी कार्य हो रहे हैं। दोस्तों, आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि यूरोप के कई देशों में बुरके और हिजाब का विरोध हो रहा है, कुरान को जलाया जा रहा है और मस्जिदों को बंद किया जा रहा है। वहीं ठीक इसके उलट दुनिया भर में सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसा कि दोस्तों मिडल ईस्ट में बड़े बड़े हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं। वहीं सऊदी अरब ने तो अपने देश की शिक्षा प्रणाली में ही महाभारत और रामायण को पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, इसी कड़ी में अमेरिका के न्यू जर्सी में श्री स्वामीनारायण भगवान का सबसे बड़ा मंदिर
मंदिर बनकर तैयार हो गया। दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि इस पर बात करते हुए कमर चीमा को किस प्रकार से जलन हो रही है। उनका कहना है कि हिंदू सब मिल करके अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं हमारे मुसलमान ऐसा नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।